तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी, मैं नहीं हूँ। क्यों थी मूवी एक्टर्स के लिए खास? बदल दिया राधे का रिलीजन। साल 2003 में रिलीज हुई तेरे नाम फिल्म अनडाउटेडली आज तक हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑडियंस के साथ साथ ये फिल्म इस मूवी में काम करने वाले हर एक्टर के लिए भी काफ़ी खास थी? आइए जानते हैं क्यों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज तेरे नाम 2 के बारे में। दरअसल इस फिल्म में काम करने वाले हर एक्टर की इस मूवी से एक स्पेशल याद जुड़ी है। बता दें कि सलमान खान की इस मूवी में परफॉर्मेंस आज तक उनकी सभी परफॉर्मेंसेज में से वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। इसके साथ ही भूमिका चावला, जो कि इस मूवी की मुख्य एक्ट्रेस थी, उनका इस फिल्म से हिंदी डेब्यू हुआ और इसीलिए उनके लिए मूवी काफ़ी एक्साइटिंग थी। ये फिल्म ऐसी लास्ट मूवी थी जिसमें सवित्रा प्रभुने ने हिंदी लैंग्वेज में काम किया हो। इसके साथ ही ये आज तक बॉलीवुड की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें रवि किशन और सलमान खान ने साथ काम किया है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी हर एक्टर के लिए कितनी खास है। बता दें कि आजकल सलमान खान काफ़ी इमोशनल हैं क्योंकि उनके वन ऑफ द फेवरेट फिल्म मेकर्स सावन कुमार की मौत हो चुकी है। जी हाँ, सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शोक जताते हुए एक बड़ा पैराग्राफ लिखा और साथ ही उनके लिए काफ़ी गुड विशेज भी जाहिर की। बात करें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट तेरे नाम 2 के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, काफ़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि मूवी की कहानी पिछली फिल्म की स्टोरी से ही आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन अब खबर है कि भले ही कहानी सेम होगी लेकिन मेकर्स फिर भी फिल्म में कुछ चेंजेस लेकर आने वाले हैं ताकि मूवी को थोड़ा सा नया ट्विस्ट मिले। इन आने वाले चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज जो कि सामने आया है वो है राधे यानी कि सलमान खान के कैरेक्टर के रिलीजन चेंज का। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मूवी में सलमान एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले करेंगे और इसके साथ ही फिल्म और भी कई मुस्लिम कैरेक्टर्स की तरह रिवील होने वाली है। सलमान खान ने काफ़ी सारी अपनी पुरानी मूवीज़ में एक मुसलमान का रोल प्ले किया है जिस पर ऑडियंस ने उन्हें खूब प्यार दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सलमान के इस न्यू कैरेक्टर को ऑडियंस ज़रूर पसंद करेगी। बता दें कि सलमान खान के रिलीजन चेंज के साथ साथ उनके कुछ क्वालिटी ट्रेट्स भी मूवी में ज़रूर चेंज होंगे जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।